तेरी पुलिस मेरी पुलिस, दिल्ली से लेकर कुरुक्षेत्र तक पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच कुछ ऐसा ही हुआ जब 8 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी हुई। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस फौरन हरकत में आती है और इससे पहले कि बग्गा को पंजाब पुलिस सलाखों के पीछे डाल पाती, दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस का खेल बिगाड़ देती है और बग्गा को पंजाब पुलिस के चंगुल से निकालकर या यूं कहें छुड़ाकर वापस दिल्ली लौट जाती है। पूरा मामला क्या है देखिए ये रिपोर्ट। सुबह सुबह का वक्त होता है, बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा के घर कुछ लोग पहुंचते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि पंजाब पुलिस की टीम होती है और थोड़ी देर के ड्रामे के बाद तजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस की टीम अपनी गाड़ी में बैठाकर चल देती है और यहीं से शुरू होता है एक हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि तजिंदर बग्गा इस पूरे वाकये को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस और उनके बीच नोकझोंक होती है। बग्गा का दावा है कि पुलिस ने उन्हें घसीटकर घर से बाहर निकाला, यानी अब तक पंजाब पुलिस तजिंदर पाल सिंह को गिरफ्तार कर पंजाब की दिशा में गाड़ी मोड़ लेती है। तजिंदर पाल सिंह के पिता प्रीतपाल बग्गा ने भी आरोप लगाया कि सुबह 8:30 बजे उनके घर कुछ लोग आए और उनके बेटे को घसीट कर ले गए। उनके पिता बेहद घबराए हुए होते हैं और वो जनकपुरी थाने जाकर इस घटना की शिकायत लिखवाते हैं। उनका आरोप है कि पंजाब पुलिस ने उनके साथ मारपीट भी की। सुबह सवेरे लगभग 8:30 बजे दरवाजा नॉक हुआ, दरवाजा खुला, दो आदमी अंदर आए। दो आदमी से हम लोग बात कर रहे थे, दरवाजा हमने बंद कर दिया था। इतने में फिर से दरवाजा खुला और 10-15 आदमी अंदर आ गए और वो तजिंदर को पकड़ के घसीटने लगे। तजिंदर ने कहा, क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो कुछ नहीं, चलो। बग्गा के पिता की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आती है और हरियाणा पुलिस से संपर्क साधती है। पंजाब पुलिस अब तक कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी है, लेकिन हरियाणा पुलिस की एंट्री के साथ ही बग्गा की गिरफ्तारी में ट्विस्ट आ जाता है। पंजाब पुलिस की गिरफ्त से लेकर तजिंदर पाल सिंह बग्गा को हरियाणा पुलिस सदर थाने सदर थाना ले आती है। यहाँ पर जो कि आप देख रहे हैं, ये सदर थानेसर है, यहाँ पर लेकर के तेजेंद्र सिंह बग्गा को जो कि पंजाब पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वो यहाँ पर लेकर के आई है। और उसके बाद तमाम जो पुलिस के यहाँ जवान को आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जो कि तेजेंद्र सिंह बग्गा है उसको थानेसर में लेकर के आए हैं। लेकिन पंजाब पुलिस दावा करती है कि हरियाणा पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है। इस बीच पंजाब पुलिस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है ताकि वो आसानी से बग्गा को अपने साथ आगे पंजाब ले जा सके, लेकिन हाईकोर्ट भी पंजाब पुलिस को जोनों का झटका देती है और पंजाब पुलिस की याचिका खारिज कर देती है। इस बीच दिल्ली पुलिस की टीम सदर थाने सर पहुंचकर तजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। पुलिस जो है लगातार लेकर के जा रही है और एक दिल्ली पुलिस की जो एक गाड़ी को भी आप देख सकते हैं जिसमें एक अधिकारी बैठे हैं और इनके आगे और गाड़ियां चल रही हैं और काफी स्पीड से इनको ले जाया जा रहा है। और इसी के साथ तमाम जो पुलिस के जवान हैं उनको भी रोड पे लगा रखा है ताकि किसी तरीके से इस काफिले को ना रोका जा सके जिसमें दिल्ली पुलिस लेकर के जा रही है। और जिस तरीके से ये जानकारी मिली कि उसमें तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उनके साथ में बग्गा बैठे हुए हैं। लेकिन अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही है, दादागिरी है, वो बार बार कहते हैं कि दिल्ली को पुलिस दे देते, पुलिस देने के बाद इस प्रकार का काम करेंगे? जब बंदर के हाथ में उस्तरा मिल जाता तो ऐसा ही होता है और किसी की भी हजामत करने लगता है। जबकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के वार का पलटवार करती है। पंजाब के अंदर सांप्रदायिक तनाव
हिंसा भड़काने की कोशिश की। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को घेर लिया। दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ भी हो रहा है। पंजाब पुलिस का तमाशा बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रख दिया है। साफ दिख रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के लोगों ने जो ताकत भगवंत मान जी को दी है, वहां के लोगों ने उसका दुरुपयोग दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं। बग्गा पर धारा 153A के तहत धार्मिक भावना को आहत करने से लेकर अफवाह फैलाने, धमकी देने जैसे आरोप लगे हैं। इस मामले से जुड़ी शिकायत पंजाब पुलिस में कराई गई थी, लेकिन अब यहां से सियासी लड़ाई आगे बढ़ गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर दिल्ली लौट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं आखिर बग्गा के गिरफ्तारी से लेकर दिल्ली तक कैसे पल पल ड्रामे की तस्वीर बदलती रही। दरअसल बग्गा की गिरफ्तारी सुबह 8:30 बजे दिल्ली स्थित पंजाब पुलिस उनके घर पहुंची, वहां पर कई धाराओं में केस दर्ज होने की बात कही। थोड़ी देर बाद ही पंजाब पुलिस तेजिंदर कौरपाल सिंह बग्गा को लेकर अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन हालात तनावपूर्ण होते देख पुलिस जबरन उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। यानी सुबह 9 बजे के करीब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी हो जाती है। इसके बाद सुबह 10 बजे दिल्ली में बीजेपी नेता बग्गा के समर्थन में पंजाब पुलिस के खिलाफ विरोध भी शुरू हो जाता है, जबकि दिन के 11 बजे के आसपास पंजाब पुलिस कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होती है, जहां हरियाणा पुलिस उन्हें रोक लेती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बीच करीब 12 बजे बीजेपी नेता बग्गा के पिता प्रितपाल सिंह थाने पहुंचते हैं और अपहरण का केस दर्ज करवाते हैं, और दिल्ली पुलिस इसके बाद एक्शन मोड में आ जाती है। करीब 12:30 बजे बग्गा को लेकर पुलिस कुरुक्षेत्र के सदर थानेसर थाने पहुंचती है। यहां पर 1:15 बजे के करीब पंजाब के डीजीपी हरियाणा पुलिस को चिट्ठी लिखते हैं, उन्हें पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी जाती है। इस बीच 1:30 बजे के करीब पंजाब पुलिस हाईकोर्ट पहुंच जाती है, ताकि बग्गा को पंजाब ले जाने में और कोई बाधा ना आए, लेकिन दोपहर 2 बजे दिल्ली पुलिस के डीसीपी कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद 2:30 बजे के करीब दिल्ली पुलिस बग्गा को दिल्ली के लिए लेकर के रवाना हो जाती है, और यहीं से अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचते हैं। पंजाब सरकार की ओर से अपील की जाती है कि वो उनको दिल्ली में ही रखा जाए, लेकिन इसके बाद दिल्ली और हरियाणा पुलिस का दावा है कि बग्गा को गिरफ्तार करते समय अगर पंजाब पुलिस ने नियम कायदों का पालन किया होता तो ना तो उसकी भद पिटती और ना ही इतना बखेड़ा होता। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम बग्गा की गिरफ्तारी और पंजाब पुलिस के एक्शन को कैसे देखते हैं, आइए आपको बताते हैं। जिस राज्य में एक मुलजिम के खिलाफ गुनाह अगर दर्ज होता है तो उस राज्य की पुलिस को कोर्ट की ऑर्डर, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट लेके उनके खिलाफ वो मुलजिम के लिए जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, पूरी इंडिया में घूम सकती है। अगर इंडिया के कहीं कोई पार्ट में अगर वो मुलजिम मिलता है तो उसको गिरफ्त में लेके चली आ सकती है। सिर्फ कानूनन बंधन इतना है कि विद इन 24 आवर्स आफ्टर अरेस्ट उसको मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना होता है, विद इन 24 आवर्स। लेकिन जहां से पुलिस गिरफ्त में लेके जाती है उस स्टेट के पुलिस की परमिशन लेने की कोई कानूनी जरूरत नहीं है। दिनभर बग्गा को लेकर पुलिस बनाम पुलिस का एक्शन पैक्ड ड्रामा चलता रहा। कभी पंजाब पुलिस की गिरफ्त में बग्गा होते तो कभी हरियाणा पुलिस बग्गा को अपने साथ ले जाती है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। आइए आपको बताते हैं कैसे 3 राज्यों की पुलिस के बीच बग्गा को लेकर 8 घंटे तक खींचतान चलती रहती है। सबसे पहले पंजाब पुलिस बग्गा के घर पहुंची, उन्हें गिरफ्तार किया, बीजेपी नेता बग्गा को अपने साथ लेकर पंजाब के लिए चल दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एंट्री होती है, क्योंकि बग्गा के पिता प्रितपाल सिंह बग्गा दिल्ली पुलिस से उनके बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराते हैं, और इस शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आती है और सीधे हरियाणा पुलिस के साथ संपर्क साधती है, जिसके बाद हरियाणा पुलिस हरकत में आती है और बग्गा को अपने साथ सदर थानेसर थाना ले आती है। इसी बीच पंजाब पुलिस बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा पुलिस को चिट्ठी लिखती है। पंजाब पुलिस हार नहीं मानती और सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, ताकि बग्गा को आसानी से पंजाब ले जाया जा सके, लेकिन दिल्ली पुलिस की एक टीम डीसीपी के साथ कुरुक्षेत्र पहुंच जाती है, ताकि बग्गा को वापस दिल्ली लाया जा सके। इस बीच दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर दिल्ली लौट भी जाती है, और अब यह सियासी ड्रामा कहीं ना कहीं अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में होगा, और इसके बाद हम आपको अब बताएंगे उस खबर के बारे में जिसको लेकर के नया सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली से करीब 1400 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अर्जुन को किसने मारा?
पश्चिम बंगाल के काशीपुर में एक युवक की लाश फंदे पर लटकती हुई मिली। यह युवक बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य था, जिसके बाद काशीपुर में हंगामा मच गया। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंच गए और ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के युवा नेता अर्जुन को आखिर मारा किसने? बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया। पश्चिम बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र फिर एक बार मिली फंदे पर लटकती लाश। सैकड़ों की भीड़ जमा है, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, हंगामा हो रहा है, चीख पुकार मची है। मातम का शोर सुनाई दे रहा है, नेताओं का जमावड़ा लगा है, ममता सरकार को कोसा जा रहा है। यह पश्चिम बंगाल में सियासत के खूनी खेला की तस्वीरें हैं। उत्तर 24 परगना की काशीपुर रेलवे कॉलोनी में सुबह होते ही सनसनी फैल गई। एक युवक की लाश रेलवे क्वार्टर के फंदे से झूलती हुई मिली। इलाके में दहशत और मातम के साथ रोष फैल गया, इसलिए क्योंकि मारा गया युवक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का सदस्य था। वो बीजेपी का स्थानीय नेता था, नाम था अर्जुन चौरसिया। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि बीजेपी के अर्जुन को किसने मारा, देखिए कैसे 26 साल के अर्जुन की लाश इस फंदे से लटकती हुई मिली। मृतक अर्जुन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। गुरुवार को उसे 11,000 रुपए सैलरी मिली और वो शाम को घर भी लौटा। फिर रात के 8:30 बजे वो दोबारा घर से निकल गया, लेकिन देर रात तक भी जब वो घर नहीं लौटा तो उसका परिवार उसे ढूंढने लगा। सुबह 7:30 बजे रेलवे कॉलोनी के कुछ लोगों को उसकी लाश एक क्वार्टर में फंदे से लटकती हुई मिली। कैमरा बंधु तरुणेर माध्यमे किछुक्षण आगे पर्यंत जेखाने देहटा झुलछिल एई गामछार मध्य दिए बाधा अवस्थाय़ अर्जुनेर देह झुलते देखा जाय़। एखाने साधारण मानुषेर आनागोना अत्यंत कम। आमी देखाते चाइबो एटी एकटी परित्यक्त रेल क्वार्टार, कार्यत अबैंडन। जैसे ही अर्जुन की लाश मिली पूरे इलाके में रोष फैल गया, लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने लगे। कोनो भावे कथा ना सुने निजे मतो करे बॉडी नाबिये ओनारा निये बेरिये जाच्छेन। बॉडीटा कि लावारिस बॉडी आमी जिज्ञेस करछि पुलिस प्रशासनेर काछे। चितपुर थाना पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और इसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश में जुट गई। लेकिन बीजेपी के युवा नेता की हत्या से माहौल गर्मा चुका था। ममता बनर्जी के राज में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों और हत्याओं को लेकर बीजेपी नेता मौकाए वारदात पर पहुंच गए, पुलिस प्रशासन के साथ उलझ गए और ममता राज में खूनी खेला पर सवाल उठाने लगे। घटना होता है, एक एक नौजवान को मार के टांग दिया जाता है और सारे हम बोलता है सुसाइड है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, एक को भी सजा नहीं मिला, किसी को चार्जशीट नहीं होती, एफआईआर तो नहीं होता है। पोस्ट कोर्ट वायलेंस के बाद जब कोर्ट का आदेश आया तब सीबीआई आके एफआईआर कर रहा है। अभी तक 56 हत्याएं हुई है, मुझे लगता है 30 से ज्यादा एफआईआर नहीं हुआ है। वो हंगामे और बवाल के बीच पुलिस ने किसी तरह लाश को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ क्योंकि पिछले कुछ सालों से पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला जारी है, तो इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। लिहाजा पश्चिम बंगाल दौरे पर गए देश के गृह मंत्री अमित शाह के तमाम स्वागत समारोह रद्द कर दिए गए। अमित शाह सीधे काशीपुर पहुंचे और उन्होंने मृतक अर्जुन के परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और ममता सरकार को आड़े हाथों लिए। बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का
परंपरा फिर से शुरू किया है। विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। 26 साल का अर्जुन चौरसिया उत्तरी कोलकाता के भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल का उपाध्यक्ष था। बीजेपी की माने तो उसे बेरहमी से मारने के बाद फांसी पर लटका दिया। यही नहीं, बीजेपी का तो यहां तक आरोप है कि अर्जुन की दादी को भी पीटा गया। लेकिन सवाल तो ये है कि ममता राज में राजनीतिक हत्याओं का दौर कब तक जारी रहेगा? कब तक माएं यूं ही मातम मनाती रहेंगी? क्या पश्चिम बंगाल में अपराधियों को कानून से अब डर नहीं लगता? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में खूनी राजनीति का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि ममता राज में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला थमा नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं बढ़ गया है। अगर बात की जाए साल 2011 की, तो 38 राजनीतिक हत्याओं को अंजाम दिया गया। इसके अगले साल की अगर बात की जाए साल 2012 की, तो 2012 में 22 हत्याओं को अंजाम दिया गया। 2013 में पॉलिटिकल किलिंग्स की 26 वारदातें रिकॉर्ड की गईं, 2014 में 10, इसके बाद साल 2015 में 1, 16 में 1 और 2017 में भी 1 वारदात दर्ज की गई। लेकिन 2018 में एक बार फिर हत्याओं में बढ़ोतरी देखी गई और 12 मामले सामने आए, जबकि 2019 में भी 12 राजनीतिक हत्याओं को अंजाम दिया गया, जबकि 2020 में 3 मामले दर्ज किए गए। और इसके बाद बंगाल में लगातार जो हत्याएं चल रही हैं, इससे सवाल खड़ा कर रही है बीजेपी कि क्या टीएमसी अपने विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या करवा रही है। बंगाल के बाद अब आपको दिखाते हैं हैदराबाद में हुई हत्या की वारदात पर सबसे बड़ा खुलासा। सुल्ताना की जुबानी, मर्डर की पूरी कहानी। जी हां, हैदराबाद में हुए नागराजू हत्याकांड का पूरा सच क्या था? क्यों सुल्ताना के सामने ही उसके पति नागराजू को मौत के घाट उतार दिया गया? क्या नागराजू को इसलिए मारा गया कि वो हिंदू था? इन तमाम सवालों के जवाब खुद सुल्ताने उर्फ पल्लवी ने दिए हैं। हैरान करने वाली बात यह है, इस वारदात का एक एक सच जी न्यूज आपके सामने लेकर आया है। आखिर 4 मई की रात को क्या हुआ था? सोनू मेरे राजू को मार दे, मुझे उनको वैसा मारना है। मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार डाला। वो लोग इतना मोटा सा राड लेके मेरे हस्बैंड को मारते गए। सड़क पर घसीटा और हत्या कर दी। मेरे हस्बैंड को इतने बुरे तरीके से मारे के पूरा जो ब्रेन है ना, टोटल ब्रेन बाहर आ गया। हम मदद मांगते रहे, कोई आगे नहीं आया। सबको हेल्प पूछे सर, कोई भी हेल्प नहीं कर रहे। रोड पे मेन रोड था। मुझे पति की हत्या का बदला लेना है। मेरा तो दिल ऐसा कह रहा है कि जैसा उन्होंने मेरे राजू को मारे, मुझे उनको वैसा मारना है। मोहब्बत के बीच जब मजहब की दीवार आई तो बीच सड़क पर मार दिया। ये खौफनाक कहानी हैदराबाद के सरूर नगर में हुई नागराजू हत्याकांड की है। इस दिल दहला देने वाली हत्याकांड की चश्मदीद सुल्ताना उर्फ पल्लवी ने अपने पति के कातिलों का पूरा कच्चा चिट्ठा जी न्यूज के कैमरे पर खोल दिया। बाइक पर जा रहे थे मैं और हमारे हस्बैंड, मेरे भाई, मतलब भाई बोल के नहीं मालूम, हम मेन रोड से नॉर्मली अंदर बोल के नहीं, मेन रोड पे रोड क्रॉस करने के लिए बाइक थोड़ा स्लो करे, करते ही 2 बाइक्स आए सर, और मेरे हस्बैंड को बाइक पे से धक्का दे दिए। उतने में मेरे हस्बैंड नीचे गिर गए और मुझे नहीं पता था कि अभी मेरे भाई है। वो लोग इतना मोटा सा राड लेके मेरे हस्बैंड को मारते गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.